केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। महागावा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहानी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव शंकर तिवारी के नेतृत्व में महागावा इंस्पेक्टर बाबूराम भगत, प्रभारी थानेदार राजेंद्र यादव, लालमटिया इंस्पेक्टर अवर निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह व ईसीएल के सिक्योरिटी ऑफिसर विनोद टोपनो, सीआईएसएफ जवान सहित दर्जनों जिला पुलिस बल ने अवैध कोयला के खिलाफ एक बड़ी छापेमारी की। महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव शंकर तिवारी ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि मोहानी में भारी मात्रा में अवैध कोयला डंप किया जा रहा है, जिसे जब्त करके ईसीएल भेजा जा रहा है। ग्रामीण ने बताया कि काफी दिनों से यहां कोयला डंप किया जा रहा था। कई जगहों पर घर के बाहर काफी मात्रा में कोयला डंप किया जा रहा था। सारे डंप कोयला को जेसीबी के द्वारा ट्रैक्टर में लोड कराकर भेजा जा रहा था। वही प्रशासन के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कोयला के खिलाफ की गई। बहुत से जुगाड़ गाड़ी में भी भारी मात्रा में कोयला लदा हुआ था, जिसे प्रशासन ने द्वारा जब्त कर लिया और गांव में इतनी भारी मात्रा में कोयला डंप किया गया, जिसे उड़ाने में प्रशासन के द्वारा सुबह से शाम हो गए। लोगों ने बताया कि गांव में इतनी भारी मात्रा में कोयला का डंप होना एक आश्चर्य की बात है। कई महीनों से कोयला कारोबार फल फूल चल रहा था, जिसे दिगी के रास्ते बिहार भेजा जा रहा था, जबकि थाना की गश्ती गल गश्ती के रहने के बावजूद भी क्षेत्र में भारी मात्रा में कोयला कम मिलना थाना प्रशासन के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। जबकि देखा जाए तो बुधवार की शाम से शाम तक छापेमारी की जा रही और रात भर छापेमारी करने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कोयला डंप करके बाहर व जमीन के अंदर भी कई जगह पर रखा गया है। वहीं शिव शंकर तिवारी ने कहा कि अवैध कोयला में लंबित व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, पकड़े जाने पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मोहानी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ कोयला जमा करके लोग अवैध डिपो चला रहा है और बिहार में भेजा, तो आज काफ़ी कोयला बरामद किया गया है, जिसको कि जिसमें जिला पुलिस और ईसीएल की टीम और सीआईएसएफ के जवान भी हैं और हम लोग कोयला को फिर ईसीएल में भेज रहे हैं। लगभग कितना कोयला होगा सर? कोयला तो बहुत सारा है, अभी तो 7-8 गाड़ी गया है और कोयला कम से कम हमको लगता है कि 30-40 टन तो जरूर है। सर इसमें FIR होगा जिनके जो कोयला लोग डिपो बनाया उस पर। किसके संरक्षण में सर ये काम हो रहा है? हम लोग पता कर रहे हैं, इस बात को पता कर रहे हैं। नंबर FIR होगा सर? हाँ निश्चित। इतने दिनों सर स्टॉक में है, उसके बावजूद जो अब तक पता नहीं चल पाया। पता चलने पर कार्रवाई होती है, लग रहा है सर काफी दिनों से की जा रही थी इस तरह का। ऐसा कहना मैंने संभव नहीं है, देखने से तो लग रहा है कि बहुत दिनों से चल रहा है। हम लोग को जैसे ही पता चला हम लोग कार्रवाई शुरू कर दी। महंगा कारोबार सर मेन रोड में नहीं तो कार्रवाई हो रही है, सूचना मिलने के बाद कार्रवाई हो रही है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।